आज का वर्ड ऑफ द डे है बनाना फैब्रिक। इसे बनाना सिल्क भी कहा जाता है और ये बनाना प्लांट की स्टेम में से इसके फाइबर को निकाला जाता है। ये कोई नया फैब्रिक नहीं है, जापान में 13वीं शताब्दी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका फील सिल्क और लिनन फैब्रिक की तरह ही होता है, इनफैक्ट इसमें सिल्क के जैसे शाइन भी होती है, जिस वजह से इसे सिल्क का क्रूरिटी फ्री वर्जन भी कहा जाता है। सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग में जो फाइन सिल्क बनती है उसमें जो रेशम का कीड़ा होता है उसे मार दिया जाता है, लेकिन बनाना सिल्क में ऐसी बात नहीं है। किसी जानवर या किसी कीड़े को नहीं मारा जाता उसे प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, यानी कि इसके प्रोज बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें काफी लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट पे इफेक्ट होती है। इसीलिए ये कमर्शियली इतने बड़े लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अब बहुत से डिजाइनर्स का ध्यान इसकी तरफ गया है, इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी, तो होपफुली इन फ्यूचर इसमें काफी चेंजेस आ जाएंगे, जिस वजह से मास प्रोड्यूस भी हो सकता है मे बी। इंडिया के एक फेमस डिजाइनर हैं गुवाहाटी से, जिनका नाम है नंदिनी बरूबा, उनका ब्रांड है किरा माकी, जिनकी कलेक्शन में उन्होंने इसी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो अब धीरे धीरे ये चीज पॉपुलर होनी शुरू हो चुकी है, एंड ऑल्सो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बनाना फाइबर्स का। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप आपको आज का वर्ड समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। ऐसे और वर्ड्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट का आइकन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी इंटायर प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे और वर्ड्स के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच।